दिखा है। साथ ही सोने को लेकर एक खबर सामने आई है। बता दें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। वह इस दौरान इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी IFSC के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। यानी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र यानी IFSC में SGX निफ्टी व्यापार शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाह देह सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस बुलियन एक्सचेंज को भारत में सोने के आयात का बड़ा एंट्री गेट माना जा रहा है। वहीं माना जा रहा है कि अब देश में जो भी सोना आएगा वो इसी एक्सचेंज के जरिए आएगा। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है कि इस कदम से सोने चांदी पे कोई आगे क्या बदलाव देखने को मिलेगा, और साथ ही आज सोने चांदी के भाव में भी और उछाल देखने को मिला है, तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ इस पे आपकी राय है? चांदी की जहां तक बात करें प्राइसेस के ऊपर, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से कल फेड का बयान निकल कर आया और 0.75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए गए हैं, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर जो है इंटरेस्ट रेट जो है अब हाइक नहीं होंगे। इस खबर के चलते सोने और चांदी में एक बार फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली है। ना केवल सोने चांदी में बल्कि सभी नॉन एग्री कमोडिटीज में निचले स्तरों पर बाइंग आते हुए हमने देखी है। कच्चा तेल भी रिकवर किया है और वही बेस मेटल्स में भी एक पॉजिटिव नोट बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर अब सोना $1740 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अभी आज इंट्राडे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं 51,000 के ऊपर गोल्ड निकल चुका है, 51,200 तक का अपसाइड मोमेंटम आज इंट्राडे में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, वही अगर कच्चे तेल की बात करें तो ये 7872 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है। वही कच्चे तेल की कीमतों में भी मतलब की जो रुख है बढ़त का वो देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड भी बता दे की $106 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। तो आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, कच्चे तेल में भी अभी थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि डॉलर जो है अपने 3 वीक के लो पर पहुंच चुका है येन के मुकाबले, और फेड रिजर्व चेयरमैन का जिस तरीके से बयान निकल कर आया है और आगे उनका कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को आगे और टाइट किया जा सकता है, तो अभी फिलहाल के लिए डॉलर में वीकनेस बनती हुई दिखाई दी है, और जिसकी वजह से अभी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और अभी कच्चा तेल जो है $100 के ऊपर अगर निकलता है तो वहां पर आपको $102 से $105 की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है $92 से लेकर नीचे में $90, तो अपसाइड में $102 से लेकर $108 की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में हो सकता है कि $100 के पार एक बार कच्चा तेल जाता हुआ दिखाई दे, तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से कच्चे तेल में बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो बता दें ये 685 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है, तो नेचुरल गैस के बाजार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, नेचुरल गैस में भी आज थोड़ा सा अपसाइड और आता हुआ दिखाई दे सकता है। कल के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से बाजार जरूर फिसले हैं, लेकिन अभी भी सप्लाई डिस्टरबेंस अभी भी बना हुआ है, और उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि नेचुरल गैस में भी तेजी का रुझान बन सकता है और एक बार वापिस से मार्केट जो है रिकवर कर सकता है और 700 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी जो रेंज दिखाई दे रही है नीचे में 680 से लेकर ऊपर में 720 तक का अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल आज ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आज सभी मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ खुलते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल डॉलर में कमजोरी के चलते आज सभी नॉन एग्री कमोडिटीज में खरीदारी देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, वही बेस मेटल में भी बता दें कि कॉपर 645 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है और जिंक भी 289 पर ट्रेड करता दिखा है, तो बेस मेटल का बाजार भी आज इसमें तेजी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो तेजी है क्या वो बरकरार रहेगी आगे भी? देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बेस मेटल में जो तेजी है कॉपर में, जैसा कि हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 440 के ऊपर निकलता है तो ऊपर में 458 से 460 का स्तर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और अभी भी पॉजिटिव है मार्केट तो थोड़ा सा तेजी में जा सकता है। 440 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटीज को 448 से 452 1-2 ट्रेडिंग दिखाती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी, अगर ओवरऑल इंटरडे में बात करें नॉन एग्री कॉमोडिटीज में, कौन सी कॉमोडिटी ऐसी रहेगी जिसपे आगे मुनाफा मिल सकता है? वैसे तो आज सारी कॉमोडिटी पॉजिटिव वे में दिखी है।
देखिए बिल्कुल, अभी डॉलर में जो कमजोरी आई है उसकी वजह से ही सभी कमोडिटीज में एक बार फिर से खरीदारी बनती हुई नजर आई है। सोना भी तेज है आज, कच्चा तेल भी तेज है और बेस मेटल्स में भी खरीदारी आज है। तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि कच्चे तेल में खरीदारी कर सकते हैं। कच्चे तेल में खरीदारी के साथ साथ कॉपर में खरीदारी की जा सकती है। 652 के टारगेट के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से कॉपर को बाय करके चला जा सकता है। तो रूपा जी यहाँ पे आप रुकिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, आपसे बात करेंगे नॉन एग्री कॉमोडिटीज पे।